देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ बारिश का प्रकोप है। देखते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ खबरें दो मिनट में। कल से लगातार हो रही झमाझम बारिश से यूपी के चित्रकूट जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा तो रामघाट की सभी दुकानें पानी से लबालब हो गई। यहां के व्यापारियों को अपनी दुकानें खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। यूपी के गोंडा में बाढ़ से किस कदर हालात बिगड़े हुए हैं, इसे ड्रोन कैमरे की नजर से समझ सकते हैं। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इससे दो तहसीलों में बाढ़ आ गई है। वाराणसी में गंगा और वरुणा दोनों नदियां उफान पर हैं। वरुणा नदी के जो तटवर्ती इलाके हैं वहां घरों तक पानी पहुंच चुका है। लोग नाव के जरिए सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। यूपी के उन्नाव में भी गंगा का जलस्तर बढ़ा तो कई इलाके जलमग्न हो गए। लोग अपने घरों में कैद हैं और इस मुसीबत की घड़ी में सिर्फ नाव का ही सहारा ले रहे हैं। यूपी के सोनभद्र जिले में 30 घंटों की बारिश से बड़ा खतरा पैदा हो गया। धंतरौल बांध में कई जगहों पर पानी का रिसाव हो रहा है। खतरे को देखते हुए बांध के सभी 22 फाटक खोल दिए गए, लेकिन इससे एक नया खतरा ये पैदा हो गया है कि इसकी जद में कई गांव आ सकते हैं। यूपी के प्रयागराज में अभी कई रिहायशी बस्तियों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। सड़कों और गलियों में अब भी नाव चल रही है। लोग छतों पर डेरा डाले हुए हैं और जान जोखिम में डालकर एक से दूसरे जगह जाने को मजबूर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तिघरा बांध के 7 गेट खोलने से मुरैना में संकट आ गया है। यहां सांक नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी बेहद विकराल रूप में दिख रही है। क्या पाकिस्तान को जाने वाला पानी बंद कर सकता है भारत? सिंधु जल समझौते की समीक्षा के लिए भारत ने पाकिस्तान को भेजा औपचारिक नोटिस। जिस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत लगभग 80% पानी पाकिस्तान को जाता है और भारत केवल 20% पानी का ही इस्तेमाल कर पाता है, इस संधि की भारत सरकार समीक्षा करना चाहती है। इसके लिए भारत सरकार ने बाकायदा पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया है। भारत सरकार ने संधि की समीक्षा के लिए जिन वजहों का जिक्र किया है उनमें प्रमुख हैं परिस्थितियों में आया बदलाव, जनसंख्या में परिवर्तन, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, भारत की ऊर्जा जरूरतें, सीमा पार से लगातार जारी आतंकवाद। भारत सरकार ने 30 अगस्त को पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। 6 दशक पहले हुई इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान भारत से गुजरने वाली सिंधु, झेलम, चिनाब और उनकी सहायक नदियों का पानी इस्तेमाल करता है, जबकि रावी, ब्यास, सतलुज और उसकी सहायक नदियों के पानी पर भारत का हक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल नदी संधि के लिए 9 वर्षों तक बातचीत चली थी। उसके बाद सितंबर 1960 में इस पर हस्ताक्षर भी हुए थे। हालांकि ये हस्ताक्षर में वर्ल्ड बैंक भी मौजूद था। ABP News आपको रखे आगे।